देखिए, हम पढ़ रहे हैं अरो का परिमेयकरण, जिसके अंदर से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से वो गया था। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन से वो क्या है, 1/√7 - √6। तो यहाँ पर भी वही अरो का परिमेयकरण करना है, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ एक अंश का वैसा का वैसा, नीचे हर में क्या है, देखिए √7 - √6। हर में यहाँ दो है संख्या, एक √7 है, एक √6 है। पहले सवाल के अंदर सिर्फ एक सिंगल थी, हमने अंश व हर से गुणा कर दिया और सीधा ही आंसर आ गया था एक ही स्टेप में। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए नीचे देखना है कि यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, और प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे। तो यहाँ पहले मैं ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देता हूँ। देखिए जो दो स्टेप है √7 - √6, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब मैं करता हूँ अंश से व हर से गुणा। देखिए √7 - √6, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। अंश व हर से गुणा कर दो, √7 ये माइनस है इसलिए यहाँ प्लस लिखूंगा, और √6, ठीक है, अंश से गुणा और हर से भी गुणा करता हूँ। √7 यहाँ प्लस है, प्लस का प्लस आएगा √6, यानी सेम √7 + √6, √7 + √6। यहाँ माइनस है इसलिए प्लस वाले से गुणा किया, यहाँ अगर प्लस होता तो माइनस वाले से गुणा होता। अब देखिए वही अंश का गुणा अंश से कर दो, हर का गुणा हर से, तो ऊपर कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ एक ही है, और एक का गुणा जब इस पूरे ब्रैकेट से होगा तो वो का वही आएगा √7 + √6। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं √7 + √6, कोई चेंज नहीं। नीचे हर में क्या आएगा, देखिए यहाँ आपके √7 - √6 है और एक है √7 + √6, एक ब्रैकेट माइनस वाला है एक ब्रैकेट प्लस वाला है। तो यहाँ आपके एक फार्मूला लगेगा a² - b², आपको पता होगा कि a² - b² क्या होता है। देखिए a² - b² होता है a+b और a - b, राइट। तो यहाँ हमारी क्या स्थिति बन जाएगी, देखिए √7 - √6 है, √7 + √6 है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो सीधा ही हो जाएगा a² और b². तो यहाँ पे मैं a² लिख लेता हूँ, यानी √7 का स्क्वायर और -√6 का स्क्वायर। तो आगे क्या स्टेप आ जाएगी हमारी, ऊपर अंश में कोई चेंज नहीं, देखिए √7 + √6 और नीचे √7 का स्क्वायर होगा, यानी वही √7 का गुणा √7 से होगा, तो क्या आ जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ माइनस है और √6 के ऊपर भी घात 2 है, यानी √6 × √6 क्या आ जाएगा 6। तो आंसर आ गया हमारे √7 + √6 / देखिए 7 - 6 क्या आ जाएगा 1। तो ये आ गया आंसर।